एक बंदा बोतल इधर से उधर करता है और चंद सेकंड में ही कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। क्या आप और हम में है ऐसी बात? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने अपने साथ वो आत्मविश्वास, वो मेहनत, ईमानदारी नहीं दिखाई जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने साथ दिखाई। एक ऐसा बंदा जिसने सिर्फ अपनी गरीबी को ही नहीं हराया, अपनी बीमारी को भी अपने आत्मविश्वास के बल पे पछाड़ दिया। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे मोटिवेशन की जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ चंद पलों के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल का एक ऐसा सितारा जिसे दुनिया सलाम ठोकती है, जिसके एक एक्शन को देखने के लिए पूरी दुनिया पागल रहती है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा महान इंसान जिसने अपने मेहनत, ईमानदारी के बलबूते पे अपनी गरीबी को ही नहीं बल्कि अपनी बीमारी को भी हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शुरू से ही कोई नहीं पसंद करता था। एक गरीब परिवार में पैदा हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पिता एक शराबी थे जो हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते थे। एक गार्डनिंग का काम करते करते और शराब पीते पीते वो गुजर गए। आखिरकार उनकी माँ को ही उनको संभालना पड़ा, जो कि घर में बर्तन मांजने का और कपड़े धोने का काम करती थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब अपने स्कूल में फुटबॉल प्रैक्टिस करते थे तो उन्हें लोग चिढ़ाते थे। इसके परिवार किए बगैर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जी तोड़ मेहनत किया। एक ऐसी मेहनत कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही उन्हें एक बीमारी हो गया। एक ऐसी बीमारी, दिल की बीमारी, जिससे उबर पाना मुश्किल था। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हिम्मत को देखिए, उन्होंने उसे भी हरा दिया और एक ऐसा सितारा उभर करके सामने आया जिसकी आज पूरी दुनिया कायल है, जिसके लिए आज पूरी दुनिया पागल है एक एक्शन, एक झलक देखने के लिए। अब आप पूछेंगे कि इतनी विकट परिस्थिति होने के बावजूद भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतना सब चीज कैसे हासिल कर लिया? सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बल बूते, वो है आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर वो आत्मविश्वास है, वो इच्छा शक्ति है, तो एक ना एक दिन आप अपने मेहनत और लगन के बल बूते अपने मकाम को, मंजिल को जरूर पाएंगे, अपने सपनों को जरूर साकार करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा अपना सपना साथ में रखते थे और अपने आप को हमेशा दृढ़ निश्चय बना के आगे बढ़ते रहते थे, कुछ न कुछ निरंतर सीखते रहते थे। और यही वो वजह है जिस वजह ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक कामयाब इंसान आज बना के रखा हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसका कहना है, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लर्न कीजिए, ग्रो कीजिए, इवॉल्व कीजिए, कुछ ना कुछ हमेशा जिंदगी में सीखते रहिए, ये कभी खत्म नहीं होता है। जिंदगी के एक पड़ाव से निकलेंगे, दूसरे पड़ाव में जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीख आपको जरूर मिलेगी। कुछ सीख को संजो करके रखिए। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को साकार करना उससे भी अच्छी बात है। आप कुछ पूरा नहीं कर रहे हैं, अपने साथ ईमानदारी और वफादारी रखिए। आपको दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करना है, अपने काम से खुद को संतुष्ट करना है, तभी आप जा करके वो इंसान बन पाइएगा, ऐसे उभर पाइएगा जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो उभर करके आए। याद रखिए, आपके जीवन में जो भी चीज है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन आज जो करना है वो आपने नहीं किया तो आप बहुत पीछे छूट जाइएगा। अपनी इच्छा शक्ति, अपने दृढ़ निश्चय को कठोर बनाइए, खुद को कठोर बनाइए, ऐसे बनाइए ताकि आप अपने सपनों को सच होता देख सके। आज का ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा, कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।